अस्सलाम वालेकुम, चटपटा मसाला में खुश आमदीद। आज की जो हमारी डिश है वो है आलू पुलाव, जो कि हम बांटने के लिए बना रहे हैं। नॉर्मली हम लोग वीक में एक बार हार्डली या दो बार बनाकर बांटते हैं, तो मैंने कहा चलें आपसे शेयर करती हूँ अपनी डिश। जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है आलू, जिसको चॉप करके मैंने क्यूब्स शेप में काट दिया था और पानी में भिगो के रखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि पानी के बगैर आलू को काट के रखे तो वो काला हो जाता है। जिंजर पेस्ट और गार्लिक पेस्ट, टमाटो, 3 टमाटोस बड़े वाले, छोटे वाले नहीं, और पुलाव मसाला, जो कि कभी टाइम निकाल के मैं आपको ये भी बनाना सिखाऊंगी, और साबुत गरम मसाला। साबुत गरम मसाला जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें दालचीनी, कड़ी पत्ता, काली मिर्च और धनिया, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सब कुछ शामिल है। उसके बाद हमारे मसाले हैं, जिसमें नमक हसबे जायका है, हल्दी है, कुटी लाल मिर्च है जिसको हम दादरी मिर्च भी बोलते हैं, पिसी लाल मिर्च है, पिसा हुआ जीरा है, काली मिर्च है और पिसा धनिया है। इसके अलावा 3 बड़े प्याज हैं जिनको मैंने स्लाइस शेप में करके रख लिया हुआ है, और साबुत गरम पिसा हुआ साबुत गरम मसाला है, और लास्ट में जो इंग्रेडिएंट हमारे होंगे वो होगा जायफल जावित्री, जो कि ग्राइंड करके मैंने रखी हुई है, वो भी हम उसमें इसमें डालेंगे। और बेसिकली हम बना रहे हैं 3 किलो चावल, तो 4 किलो चावल बना रहे हैं, तो हमने चावलों को 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। चावल जितना ज़्यादा भिगा, जितने ज़्यादा टाइम तक भिगा रहता है, उतना अच्छा बनता और उतना खड़ा चावल बनता। कि मैं ऑयल डाल लिया था, और ऑयल के अंदर मैंने सबसे पहले ऑयल गर्म करके हसबे जायका ऑयल डालना है। ऑयल गर्म करके मैंने साबुत गरम मसाले, आप देख रहे होंगे कि वो डाल दिए थे, और साथ ही मैंने प्याज चॉप करके डाल दिया था। ऑयल आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखना है, कुछ लोग ऑयल ज़्यादा लेते हैं, कुछ कम लेते हैं। अगर ऑयल ज़्यादा ले लें तो चावल बहुत ऑयली बनते हैं। मेरे घर में ऑयल कम यूज़ किया जाता है, इसलिए मैंने ऑयल मुनासिब लिया है। लेकिन ये बांटने के लिए बना रहे हैं, तो फिर मैंने नॉर्मल इसलिए रखा है क्योंकि हर एक का टेस्ट डिफरेंट ही होता है। तो प्याज को ब्राउन करने के लिए चढ़ा दिए चूल्हे पे, तो चावल ज़्यादा है इसलिए मैंने बड़ा पतीला लिया है। साथ साथ चमचा हिलाते जाएंगे, प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक जो है इंतज़ार करेंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्याज नरम हो चुका हुआ है, और आपने अपने कलर के अकॉर्डिंग, किसी के घर बहुत डार्क ब्राउन किस्म का पुलाव खाया जाता है, किसी के घर लाइट ब्राउन होता है, और जो बेबीज़ वाली फैमिलीज़ होती हैं, स्पेशली जो बच्चों के घर होते हैं, उनमें तो बहुत ही हल्का रंग रखा जाता है। तो हम लोगों के घर में बिल्कुल नॉर्मल खाया जाता है। मेरे हस्बैंड को लाइट कलर पुलाव में पसंद है, ज़्यादा डार्क पसंद नहीं है, इसलिए मैं ना ज़्यादा तेज़ रखूँगी ना ज़्यादा हल्का रखूँगी। प्याज कुछ ऐसी शक्ल में आ जाएगा, कुछ ब्राउन हो रहे हैं, कुछ अभी वाइट है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि सारा ही लाइट ब्राउन सा कलर आ जाए सारे प्याज। प्लेन नीचे से स्लो ही रखेंगे, ये ना प्याज जल जाए। चावल बनाना तो इज़ नॉट अ बिग डील, बट चावल को बनाने की टेक्निक होती है, कि उस टेक्निक के अकॉर्डिंग अगर चावल को बनाया जाए तो आपका चावल बहुत अच्छा बनता है। प्याज हमारा हो गया, जिसमें हम पानी डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा, ऑलमोस्ट मैंने हाफ कप पानी डाला है। हम मसाला तैयार करेंगे, उसके बाद जो है आलू ऐड करेंगे, आलू और चावल। अब इसके बाद मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। टमाटर मैंने आपको बताया था, मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, कटे हुए स्लाइस कर लिए थे मैंने। मैंने वैसे घर में करके रखे होते हैं ऑलरेडी, तो और आप कह रहे होंगे कि मैंने प्याज के साथ लहसुन अदरक नहीं डाला है, इसलिए नहीं डाला क्योंकि हमने आलूओं को अभी पकाना है। तो इसके बाद 2 टेबल स्पून आप जो है जिंजर पेस्ट डाल देंगे, टीस्पून सॉरी, और इसी तरह 2 टीस्पून आप डाल देंगे
गार्लिक पेस्ट। किसी को गार्लिक इतना पसंद नहीं आता, किसी को आता है, वो आप अपने घर के टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। बट मैं नॉर्मली दोनों चीज़ों को इक्वल रखती हूँ। तो 2 टीस्पून आपने गार्लिक और जिंजर पेस्ट डाल देना। अब हम इस मसाले को साथ साथ पकाते रहेंगे। आप बबल्स देख रहे होंगे कि बबल्स बन रहे हैं, ऑयल ऊपर आ रहा है। जब प्रॉपर ऑयल ऊपर आ जाएगा, इट मीन्स आपका मसाला रेडी है। जिस तरह एक हंडिया का मसाला पकाते हैं, 2 टेबल स्पून पुलाव मसाला है, जो कि मैंने आपको कहा है कि मैं इंशाल्लाह ज़रूर इसकी रेसिपी शेयर करूँगी आपसे। इसके बाद हम लोग डालेंगे सारे मसाला जार। क्योंकि हमारे चावलों की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए हम मसाला भी उसके अकॉर्डिंग डालेंगे। 2 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और दो मसाले में भी सॉल्ट था तो मैंने इसलिए 2 टेबल स्पून रखा है। आप चीज़ डाल सकते हो। 1 and a half टेबल स्पून ऑफ पीसी लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून ऑफ पीसी लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून ऑफ हल्दी अंदर ऐड कर रही हूँ, पिसा हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून और साथ ही 1 टेबल स्पून मैं ऐड कर दूँगी पिसी हुई काली मिर्च और 1 टेबल स्पून ही मैं ऐड करूँगी सूखा धनिया, ठीक है। और साथ ही 1 टेबल स्पून मैं पिसा गरम मसाला डालूँगी। चूँकि मैंने साबित भी डाला था इसलिए मैं पिसा थोड़ा ही डालूँगी। अब हम इनको मिक्स कर लेंगे और ऑयल ऊपर आने का वेट करेंगे। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो फिर हम इसमें आलू ऐड करेंगे, जो हमने क्यूब शेप में काट के रखे थे। ज़्यादा चावलों को बहुत ही तरीके से पकाया जाता है। आम रूटीन में पकने वाले चावलों से तकनीक थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो अगर आप इस तकनीक को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह अगर आप कभी भी ज़्यादा क्वान्टिटी में चावल पका रहे होंगे तो अच्छे बनेंगे आपके। ऑयल हमारा ऊपर आ गया, आप देख सकते हैं बबल्स बन रहे हैं। मसाला पकने की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि आपका ऑयल ऊपर आ जाता है, बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो बबल्स बनना शुरू हो गए, चमचा साथ साथ फुलाते रहे ताकि हमारा मसाला जो है वो नीचे ना लगे। ऑयल ऊपर आ गया, मसाला पक गया, मसाला रेडी था। मैंने इसके अंदर आलू कटे हुए डाल दी, जो कि मैंने पानी में 2 घंटे पहले भिगो के रखे हुए थे। तो अब हमारा आलू भी जल्दी पक जाएगा। जितना ज़्यादा आलू भिगा हुआ होगा उतनी जल्दी वो पकेगा। हम इसको थोड़ा सा पहले भूनेंगे और फिर हम पानी अभी ऐड नहीं करेंगे। थोड़ा सा आलू भून जाए, फिर उसके बाद फ्लेम थोड़ी सी आप जो है तेज कर लें और उसके बाद थोड़ा सा आलू को पकने दें, फिर आप पानी ऐड करेंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्च आप लोग ऐड कर सकते हैं। मैं साथ साथ बताती जा रही हूँ। कुछ घरों में मसाला कम हल्दी नमक मिर्च खाई जाती है और कुछ घरों में तेज। हमारे घर में नॉर्मल चलता है, इस तरह से मैंने नॉर्मल ही रखी है। और इसका इजी टू कुक का मतलब इजी वे है इसका कि आप चाहें तो आलू पहले बॉयल भी हाफ बॉयल भी कर सकते हैं। ऑल दो मैंने नहीं किए क्योंकि वो टेस्ट अच्छा नहीं आता, इसलिए मैंने आज कच्चे आलू भी डाले। आलू का मसाला और आलू आपस में यकजान हो गए हैं और ऑयल ऊपर आ गया। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। 3 किलो चावल हैं तो मैंने माप लिए थे, उसके अकॉर्डिंग मैं जो हूँ अपने चावलों में पानी ऐड कर रही हूँ। मैं मैयर करके बेसिकली करती हूँ, दाल से नहीं करती था मैं। अब हम देखते हैं कि हमारे आलू पक चुके हैं कि नहीं। जिस तरह आलू पकने की निशानी यह है कि पानी में जब ये बॉयल आना शुरू हो जाएगा ना, ये बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, तो इट मीन्स आपके आलू पक चुके हैं। वैसे मैंने चेक भी कर लिया था, आलू पक चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चावल।
चावल मैंने आपको बताया था मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रखे थे, जितना ज़्यादा देर तक चावल भिगेगा उतना ही वो अच्छा पकेगा। चावल डालने के बाद आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने ज़्यादा चमचा नहीं हिलाना, ज़्यादा चमचा हिलाएंगे तो चावल टूट जाएंगे। डाल दिए, अब बिल्कुल हल्का हल्का सा चम्मच हिला के हम इसको ढक देंगे, पानी खुश्क होने का इंतज़ार करेंगे और फिर मैं आपको दम लगाने का तरीका बताऊँगी कि इसको दम कैसे रखो। अब हम अपने चावलों को देखते हैं कि हमारे चावल कहाँ तक पहुँचे हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं कि चावल जो हैं अब दम की स्टेज पे आ गए। अब इनको बिल्कुल हल्का हल्का चम्मच चलाना, ज़्यादा नहीं चलाना नहीं तो चावल टूट जाएगा। प्यार से बिल्कुल इसको डील करना आपने। अब हम इसको दम में रख देंगे। मैंने नीचे तवा रख दिया गरम करके और ऊपर पतीला रख दिया था। अब हम इसको कवर कर देंगे और 15 मिनट का दम लगाएंगे और 15 मिनट के दम में ये पक जाएंगे। ठीक है, पक चुके हैं चावलों को, दम से हटाते हैं और देखते हैं कि चावल किस कंडीशन में। वाव, चावल हमारा बहुत अच्छा खड़ा खड़ा बना है और आप कलर देख सकते हैं कितना अच्छा कलर है। जो हल्दी हमने डाली थी उस हल्दी का कलर कितना प्यारा है, येलोइश आया है। अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले जिस मकसद के लिए हमने इसको पकाया है, अल्लाह उसको कबूल करे। देखे कितना खूबसूरत, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और चावल खड़ा खड़ा है, अलग अलग है, जुड़ा हुआ नहीं है। ये देखें, देख सकते हैं आप। ये अब हमारे चावल तैयार हो चुके हैं और अब हम बांटने के लिए पैकेट्स बना रहे हैं इनके वन बाय वन। आप देख सकते हैं शॉपर में पैकेट बनाएंगे, ऑलमोस्ट हर शॉपर में एक एक बंदे का खाना तो होगा ही। इस तरह जो है हम शॉपर बनाते जाएंगे वन बाय वन और जितने भी लोगों का बन गया अल्लाह ताला बस इसको कबूल करे। अभी ऊपर से हम बंद इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि भाप से जो है चावल ज़्यादा नरम ना हो जाए। माशाल्लाह देखें, हम लोगों ने सारे के सारे पैकेट्स बना लिए। अब हम बांटने के लिए जाएंगे और दुआओं में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के साथ अगली बार फिर मुलाकात होगी।